ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆਇਆ ਕਈ ਸਾਲੇ ਸੋਚਦੇ ਜਗਾੜ ਲਾਇਆ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਡੋਰ ਨਾ ਪਤੰਗ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪੇਚੇ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ। सियालकोट टिकटॉक ने एक और कमसिन नौजवान की जान ले ली। तीन कमसिन दोस्त टिकटॉक बना रहे थे कि गोली चल गई। गोली लगने से खरोटा सैयदा का रिहायशी अमार हैदर जांबहक हो गया। अमार हैदर को गोली से पहले की टिकटॉक 24 न्यूज ने हासिल कर ली। फर्स्ट ईयर का तालबे इलम अमार हैदर दोस्त मुस्लिम और जुहेब पिस्टल के साथ टिकटॉक बना रहे थे। मेरा नाम जुहेब है, मैं माशा का दोस्त हूँ। उस दिन ऐसे हुआ कि वो मेरे घर आया तो मुझे साथ ले गया एकेडमी अपने। तो पहले हम एकेडमी चले गए, उसने मुझे अपनी बाइक दी। वो कहता है जाओ घूम फिर, छुट्टी के टाइम आ जाना। मैं आ गया था तो फिर वो कहता है कि चलो मुस्लिम लोगों के घर चले। हम उधर गए हैं तो मुस्लिम लोगों की छत पे थोड़ी देर खड़े हुए हैं। मैं मुझे कहता है जाओ घर से, हो गया जुहेब सुबह के मेरे साथ घर गए हैं। तो कहता है ठीक 5 मिनट बाद आया घर। तो कहता है जुहेब बात सुनो, मैं बाहर आया हूँ। तो कहता है चलो आओ मुस्लिम लोगों के घर चले। उधर गए हैं हम तो मुस्लिम ने आगे वो पिस्टल लगाया हुआ था। तो कहता है चलो आप फायरिंग करने चले। मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, आप लोग जाओ जाओ मार से, तुम भी इसके साथ जाओ जिधर जाना है। कहता है नहीं नहीं तुम आओ। मैं कहा मैंने नहीं जाना। कहता चलो रहने तो फिर नहीं जाते, दुकान खोलो। हमने दुकान ली भी है सामने, वो दुकान खोल के हम अंदर बैठ गए। तो मुस्लिम आया बाद में तो वो कहता है वीडियो बनाए टिकटॉक की। उधर बाद हमने बंद कर लिया तो टिकटॉक निकाल के टिकटॉक बना रहे थे पहले। उसने मुझे भी 3-4 दफ़ा उसने मेरे सर पे भी चलाई है तो वो नहीं चली है। तो फिर उसने वहाँ मुस्लिम का मुस्लिम भी लगा हुआ था, नहीं चली। तो फिर उसने अपने मुंह में रख के चलाई है, वहाँ पे नहीं चली है। फिर अपने पेड़ पे रख के चलाई है तो उधर चल गई है। कामों की पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 2 माह कबल बिलाल पार्क का 25 साल नवीद की लाश डेरा अमीर अफसल से मिली थी। मकतूल को कुल्हाड़ियों के वार करके बेदर्दी से कत्ल किया गया था। मकतूल की चोरी शुदा मोबाइल फोन से मुलजिम की निशानदही हुई। गिरफ्तार मुलजिम उस्मान मकतूल का करीबी दोस्त है। एएसपी नौशेरवान। उसकी कुल्हाड़ी से मसक शुदा लाश हमें मिली है। बकवा कुछ इस तरह से था कि 16 तारीख की रात को नवीद अपने घर से जाता है अपने डेरे पे, डेरा अमीर अफजल पे, और उसके बाद उसके घर वाले उसको तलाश करते हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिलता। 18 तारीख को ये बकवा पुलिस स्टेशन थाना सदर में रिपोर्ट होता है। उसके बाद हम अपने फौरी तौर पर अपने तफ्तीशी अफसरान को मौके पर भिजवाते हैं, मैं खुद भी मौके पर जाता हूँ, और उसके बाद फोरेंसिक की गाड़ी भी आती है। 1.5 माह की मुसलसल कोशिश के बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हमने वारदात ट्रेस कर ली है। ये कत्ल की वारदात इलाके में खौफ और हरास की अलामत बन गई थी क्योंकि जो मकतूल नवीद है उसको नहायत बेदर्दी से मारा गया था। अब इस वकूए का क्लाइमेक्स ये है कि इसमें जो कातिल है वो नवीद का दोस्त उस्मान है जो कि उसी का पड़ोसी भी है, उसका दोस्त भी है। सिर्फ 5 से 6 हज़ार रुपए के पीछे इसने अपने दोस्त को कत्ल किया। सर्कल डस्का में चोरों की चांदनी, पुलिस लंबी तान कर सो गई। नामालूम चोरों ने 2 घरों का सफाया कर दिया, लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और दीगर सामान ले उड़े। आए रोज डकैती और चोरी की वारदातों का होना मामूल और शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं।